हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास टेंथ यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए नन हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 12 नंबर वीडियो है नन हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मेरे द्वारा नन हिंदी के चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 11 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सभी 11 वीडियो का जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग इस सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम नन हिंदी का जो आपका 13 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है दीदी की डायरी, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि रोज नामचा का क्या अर्थ है। रोज नामचा जो ये शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा। याद रखेंगे, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में हम आपको 5 सेकंड का जो है कोशिश करते हैं टाइम देने का, तो उसमें आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किताबें पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ने का शौक किसको है। बाल गोविंद भगत को, या फिर हामिद को, या फिर संजू को, या फिर कसारा को, किसको किताब पढ़ने की शौक है, यही आपको बताना है। तो दो का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे, किताब पढ़ने की जो शौक है वो किसे है, संजू को है। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है, किसने कहा। ये आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जब वो स्कूल जाने लगती है संजू, तो कोई छींक देता है तो उसकी दादी ऐसा जो है बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, डैट मीन्स दादी माँ ने, दादी माँ ने ऐसा कहा था, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि संजू पिकनिक मनाने गई, संजू जो है पिकनिक मनाने कब गई थी। तो यहाँ पर आपका 4 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 3 जनवरी 1997 को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि दीदी की डायरी पाठ की विधा है, दीदी की डायरी जो है वो कौन सी विधा है, ठीक है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे यह एक डायरी है, यह कविता या फिर कहानी नहीं है, या निबंध भी नहीं है, यह क्या है, डायरी है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वर्ष की है, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि जो इसमें संजू नाम की लड़की है वो कितने वर्ष की थी, ठीक है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो, का रखेंगे 8 वर्ष, कितने वर्ष, 8 वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती हैं, किस कक्षा में संजू पढ़ती हैं, यही आपको बताना है। तो 7 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे 8वीं कक्षा में संजू पढ़ाई करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया। तो यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे जापानी लड़की तो जान, ठीक है, जापानी लड़की तो जान के बारे में जो है बताई थी संजू ने 4 जनवरी 1997 को, ठीक है, डायरी के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम आपके 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष पूछा ही गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली है, यही आपको बताना है। तो 9 का क्या सही आंसर होगा बताइए, गांधी जी से, या फिर टैगोर से, या फिर प्रधानाध्यापक से, या फिर पिताजी से, किससे मिला था। तो आपको बता दें कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे महात्मा गांधी जी से उनको प्रेरणा मिला, क्या करने का, डायरी लिखने का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, पूछा है कि सत्य का प्रयोग किसकी कृति है,
सत्य का प्रयोग, इसका जो है पूरा अगर बोला जाए तो सत्य के प्रति मेरे प्रयोग। और यह जो कृति है, मतलब ये जो रचना है वो किनका है, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, आगे बढ़िए। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा रखी संजू डायरी लिखने की किससे बताई, मतलब जो संजू को जो है डायरी लिखना किसने बताया, यही आपको बताना। ठीक है, यहाँ पर हल्का मिस प्रिंटिंग है लेकिन आप समझिए यह बात कि संजू को डायरी लिखना किसने बताया। तो 11 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर सी होगा, लिखेंगे दीदी से। किससे मिली है डायरी लिखने की, जो डायरी लिखना जो बताई है, कौन बताई है, दीदी ने बताई है। आगे बढ़िए और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई। तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे नीलू की जो शादी है वो बचपन में ही कर दिया गया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 14 नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है पीपल। पीपल से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, और जो आपका 13 नंबर चैप्टर था उससे संबंधित इतना क्वेश्चन आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखते हैं 14 नंबर चैप्टर जिसका नाम है पीपल, इसका जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है। पीपल जो है वो हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है, यही आपको बताना है। तो 1 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे छायावाद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके जो 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पीपल कविता में किस भाषा की व्यंजना हुई है, किस भाव की व्यंजना की गई है, इसमें मतलब विवेचना की गई है। तो 2 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का, जंगल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कितना अच्छा होता है, इसके बारे में ही पीपल कविता में वर्णन किया गया है, व्यंजना किया गया है। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है, पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है कवि के अनुसार। तो 1 का यहाँ पर, सॉरी 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे गोल। ठीक है, क्योंकि उस कविता में इस तरह से लिखा कि पीपल के पत्ते गोल गोल, इस तरह से कुछ जो है बोला गया। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि पीपल पाठ की विधा है, पीपल जो है वो कौन सी विधा है। तो 4 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे पीपल एक क्या है, कविता है। ठीक है, और ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, गोपाल सिंह नेपाली की कविता निम्नलिखित में से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो 5 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे पीपल। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट देख सकते हैं कि 2018 और 2019 दोनों साल पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा है कि कौन पक्षी रात को रोकर बिताती हैं, कौन पक्षी जो है वो रात को रोकर बिताती हैं। तो 6 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे चकोर, कौन चकोर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि बुलबुल किस ऋतु में गाती हैं, बुलबुल जो है वो किस ऋतु में गाती हैं। तो आप सभी समझते हैं कि बसंत ऋतु कितना जो है फेमस होता है, तो बसंत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 8 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि जंगल की शोभा कौन बढ़ाते हैं, जंगल की शोभा जो है कौन बढ़ाते हैं। तो 8 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि चिड़ियों का आपका कलरव हो, या फिर मोर का नाचना हो, या फिर हंस की क्रीड़ा हो, ये सभी जो है जंगल का शोभा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप अपने 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है, कैसा है। तो 9 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे अति उपयोगी है, पीपल का पेड़ जो है मानव सभ्यता के लिए अति उपयोगी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है, पीपल वृक्ष जो है वो कैसा है, ये आपको बताना है। तो 10 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे पूजनीय है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर भारतीय संस्कृति में जो हिंदू धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी पीपल को पूजते भी हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कलकल छलछल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है।
तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे गोपाल सिंह नेपाली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आपको बता दें कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, तो अगर आप लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR Study ऐप, तो वहाँ भी आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप जो है अगर सभी सब्जेक्ट का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप LGRStudy.com पर जा सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया बेहतरीन वेबसाइट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR Study देखते रहिए।